Yes, students, in the last class, we have done the equation solving questions up to question number 8. Now we have to move further up to question number 8 and more. We have to calculate all the angles from 0 to 360 degrees. All the angles from 0 to 360 degrees. Ab ek cheez dekhiyega, in question number 3, 4, 5, 6, 7, 8, sab mein angle kya hai? X. Angle kya hai? X hai. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, एंगल क्या है? 2x. क्वेश्चन नंबर 10, एंगल क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एंगल क्या है? x प्लस 20. एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, राइट? आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, अब आप देखिएगा जरा, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, जो एंगल 2x दिया हुआ है और रेंज हमारी है, द रेंज इज इन बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज. रेंज ये दी गई है हमें. रेंज किसकी दी गई है? x की. और क्वेश्चन दिया गया है 2x का. रेंज और क्वेश्चन का एंगल सेम होना चाहिए. तो अब या तो हम क्वेश्चन का एंगल 2x की जगह x कर दें, या रेंज को x की जगह 2x कर दें. तो रेंज को 2x करना ज्यादा आसान है, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर कर दिया जाए तो इट विल बी, एंड दिस इज 720 तक अब हमें जाना है. वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द एंगल्स फ्रॉम 0 टू 720. आ रही है बात समझ में? अब आइए किस तरीके से वर्किंग की जाएगी जरा चेक करते हैं. स्टार्ट करते हैं साइन 2x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2. साइन इज नेगेटिव. कहां कहां होगा साइन नेगेटिव? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? एग्जैक्टली इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. साइन नेगेटिव इन दो क्वाड्रेंट्स में होगा, राइट? साइन नेगेटिव इन दो क्वाड्रेंट्स में होगा. बेसिक एंगल कैलकुलेट करते हैं सर. व्हाट इज द बेसिक एंगल? जरा कैलकुलेट कीजिए. साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2. नेगेटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन सिर्फ डायग्राम बनवाता है आपसे. ठीक हो गया? अभी तो बेसिक एंगल निकाल रहे हैं. अल्फा के बैकग्राउंड में 2x ही है, सही? 60. ये एंगल आया 60 और ये एंगल आया 60. अब आइए स्टार्ट करते हैं. अब जनरल एंगल्स देख लेंगे. और जनरल एंगल हमारा क्या है? 2x. जनरल एंगल हमारा क्या है? 2x. स्टार्ट करेंगे जीरो से. स्टार्ट किया. व्हाट इज द फर्स्ट एंगल? 180 प्लस 60 कितना हुआ? 240. व्हाट इज द सेकंड एंगल? 360 माइनस 60, 300. क्या हमें यहां पर रुक जाना है? नो, हमें तो 720 एक और राउंड लेना. तब सुनिएगा जरा, यहां पर कितना हुआ? कंप्लीट हो गया ना 360. 360 प्लस द फर्स्ट एंगल 360 प्लस 240. और उसके बाद 360 प्लस द सेकेंड एंगल 360 प्लस 300 660. दीज आर द फोर एंगल्स. एट द एंड द फाइनल आंसर इज डिवाइडेड बाय टू. ऑल द एंगल्स डिवाइडेड बाय टू. फाइनल आंसर हमें एक्स का देना है, 2x का नहीं देना. सो इट विल बी 120. 300 डिवाइडेड बाय 2 इज 600 डिवाइडेड बाय 2 इज एंड 660 डिवाइडेड बाय 330. आ रही है बात समझ में? हमने पहले क्या किया? रेंज को कन्वर्ट किया 2x के अकॉर्डिंगली और फिर उस तमाम में एंगल्स निकालकर एट द एंड x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. और फाइनल x देख लीजिए आप 0 से 360 के दरमियान में. आ रही बात समझ? आ गया. अब आइए, I am doing question number 12.
क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज द एंगल, रेंज क्या है हमारी, एक्स की रेंज है 0 से लेकर 360 तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल रेंज क्या बन जाएगी, सब में से -30 कर दो, -30 एक्स -30 360 -30 330। आ रही है बात समझ में? नाउ स्टार्ट कीजिए, टेन पॉजिटिव कहां होगा, फर्स्ट में और थर्ड, व्हाट इज द बेसिक एंगल, 45, टेन इनवर्स ऑफ 1, ये आया 45 और ये आया 45। आ रही है बात समझ में बच्चों? होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए जनरल एंगल, जनरल एंगल क्या है, x माइनस 30, पहला एंगल क्या आया 45, दूसरा एंगल क्या आया 180 प्लस 45 225, मजीद आ गया ये 360 प्लस 45, लेकिन वो तो 330 से बाहर आ जाएंगे, हमें तो 330 तक रहना है, हमें 330 तक रहना है, तो इट मींस यही दो एंगल आए आंसर में, और फाइनल आंसर क्या हो गया, 45 प्लस 30 75, 225 प्लस 30 255। आ रही है बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? तो ये जनाब हमारे पास दो एंगल्स आ गए इन द रेंज फ्रॉम 0 टू 360 डिग्रीज। आर यू क्लियर? दैट्स ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है बच्चों, cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, माइनस 1 अपॉन 3, एंड cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 3, एंड cos x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, cos पॉजिटिव कहां होगा, cos पॉजिटिव, cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और लास्ट में। आ रही बात समझ में? व्हाट इज द बेसिक एंगल, cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3 बताइए, इधर आया इधर आया। सो नाउ द जनरल एंगल, द फर्स्ट एंगल इज 48.1 एंड द सेकेंड एंगल इज 360 माइनस 48.1, दीज आर द रिजल्ट्स। आ रही है बात समझ? Okay, students, now question number 14. Again, we have to calculate all the angles from 0 to 360 degrees. 14, question number 14 dekhiyega. Abhi aap logon ko lagega, sir, question number 14 to hum khud kar sakte hain, ye to waise hi question hai. Ab, lekin main isko solve kar raha hu. Sin x in the bracket 1 minus 2 cos x equals to 0. Jab do bracket 0 se equate ho, to hum kya karte hain? Sin x equals to 0 और 1 minus 2 cos x equals to 0, ऐसा ही है? यहां से क्या हो गया, cos x equals to half, ऐसा ही है? अब आइए sin 0 क्या है, sin 0 कौन से quadrant में होगा, positive है negative, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब क्या करें, कहां डायग्राम बनाएं, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा जरा राइट साइड वाले को मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं, cos x equals to 1, सही, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कहां डायग्राम ड्रॉ होगी, फर्स्ट में एंड फोर्थ में, so cos inverse of 1 क्या आएगा जरा बताइए, 0। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट, सॉरी, अगर मैं फर्स्ट में एंगल बनाता हूं तो ये एंगल क्या 0 डिग्री लिखूंगा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई,
यहां पर आकर हम फंस गए, जीरो पर हम डायग्राम नहीं बना पा रहे, व्हेन साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड कॉस एक्स इक्वल्स टू वन पर हम एंगल नहीं बना पा रहे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सही है जी। कैसे सॉल्व होगा सुनिए, ये इसको मैं हाफ ही कर रहा हूं। अब सुनिए, याद रखिए बच्चों, जब भी साइन कॉस टेन माइनस वन जीरो और वन का पूछा जाए, माइनस वन जीरो और वन का पूछा जाए, हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे सुनिएगा बच्चों, साइन माइनस वन, इसके लिए हमारे जहन में साइन का कर्व आना चाहिए, यह है साइन का कर्व, साइन का कर्व यही है ना। साइन माइनस वन कहां होता है, 270 पर, कहां होता है 270 पर, साइन माइनस वन होता है 270 पर, हमारे जहन में कर्व बनना चाहिए। साइन जीरो कहां होता है, जीरो 180 360, जीरो 180 360, साइन वन कहां होता है जनाब, 90 पर, आ रही बात समझ। इसी तरीके से कॉस का कर्व भी जहन में बनना चाहिए, कॉस माइनस वन कहां होता है जनाब, 180 पर, कॉस जीरो कहां होता है, 90 और 90 एंड 270, और कॉस वन कहां कहां होता है, जीरो एंड 360, आ रही बात समझ। टेन माइनस वन और वन नहीं पूछा जाएगा, टेन जीरो कहां होता है, जीरो 180 एंड 360 पर, आ रही बात समझ। अब आइए, क्योंकि इन्फिनाइट होता है ना, अब आइए वो सॉरी 45 होता है ना उसमें, ठीक है। अब आइए, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ना डायग्राम बनेगी ना कुछ, डायरेक्ट आंसर देंगे, कर्व बना जहन में, साइन एक्स जीरो कहां कहां होता है, जीरो 180 और 360, ये हो गया। कॉस एक्स इक्वल टू हाफ, इसके लिए डायग्राम बनेगी, कॉस एक्स इक्वल टू हाफ के लिए डायग्राम बनेगी, और जनाब कॉस एक्स इक्वल टू हाफ जनाब, कॉस पॉजिटिव कहां कहां होगा, फर्स्ट में और लास्ट में, बेसिक एंगल कितना आया 60, एक एंगल ये बना एक एंगल ये बना, तो एक्स क्या हो गया, पहला एंगल 60 और दूसरा एंगल 360 माइनस 60 300, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया एक्स का, 0 60 180 300 360, दीज आर द रिजल्ट्स, आ रही है बात समझ में, कोई कंफ्यूजन होपफुली नहीं है। आई एम ऑल्सो डूइंग क्वेश्चन नंबर 17 फॉर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स कॉमन, फॉर साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार हो गया कॉस एक्स इक्वल टू 0 और एक बार हो गया साइन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 4 कॉस 0, फिर डायग्राम नहीं बनेगी, जहन में हम ग्राफ बनाते हुए 90 और 270 और यहां पर डायग्राम बनाएंगे, साइन पॉजिटिव दिस एंड दिस, बेसिक एंगल बताइए 48.6, एक एंगल ये एक एंगल ये, तो जनरल एंगल क्या हो गया 48.6 और 180 माइनस 48.6, therefore the final answers are 48.6, 90, 131.4,
एंड 270। आ रही है बात समझ में? होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। जनाब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक बार तो हो गया कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, और एक हो गया टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो मैं लिख रहा हूं टू साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कॉस एक्स को अपॉन में लेकर आ रहा हूं, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन, और ये हो गया इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। अब इसके अकॉर्डिंगली आप एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टेन। बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर डायरेक्टली सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ टेन। इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। दो वैल्यूज बताओ टेन की। थ्री अपॉन टू एंड माइनस टू। अब आइए टेन पॉजिटिव कहां पर होगा? फर्स्ट में, और थर्ड में। टेन नेगेटिव कहां होगा? सेकंड में एंड थर्ड में। ये बात समझ में आई किस तरीके से? लाइक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम, कोफिशिएंट्स रखकर, और एक्स की दो वैल्यूज आ जाती हैं। यहां पर एक्स नहीं, यहां पर टेन एक्स की दो वैल्यूज आई। व्हाट इज द बेसिक एंगल? Here and here, so the general angle first 56.3 and the second one is 180 plus 56.3. kya hua hai? ye kitna aaya 180 plus 56.3? 236.3. ab aaiye yahan par basic angle kya hoga? tan inverse of 2, tan inverse of 2 कितना आया? 63.4। जनरल एंगल एक आ गया 180 माइनस 63.4 116.6, और दूसरा आ गया 360 माइनस 63.4 296.6। ठीक हो गया जरा। अब इन एंगल्स को आप अरेंज करके लिख देंगे। ये टेन की वैल्यूज 3/2 और माइनस टू कैसे आई हैं? कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करने का वो फाइव एंड थ्री। अब आप देखें स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है? टू। लीनियर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस वन। और कांस्टेंट क्या है? माइनस सिक्स। क्या वैल्यू आ गई? टू एंड माइनस थ्री अपॉन टू एंड माइनस थ्री अपॉन टू। बच्चों ये थोड़ा सा जरा देख लीजिएगा, इसमें हमारे साइन जो है वो उल्टे लग गए हैं, तो दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर्स, राइट? अकॉर्डिंग टू साइंस फिर हमें आंसर्स निकालना होंगे। ये हमारी नालायक सी स्टूडेंट है, उसने हमें बताया था।